ओम शांति। हम सभी निमित्त हैं इस संसार में शांति का साम्राज्य स्थापित करने के लिए। भगवान इस धरा को स्वर्ग बनाने आया है, उसने हमें भी अपने साथ ले लिया है। कितना बड़ा भाग्य है, आप किसी बहुत बड़े ऑफिस में या किसी मिनिस्टर के पास अच्छी नौकरी पर हैं, तो कितना नशा होता है। और हमें तो भगवान ने अपना साथी बना लिया कि आओ बच्चे, अपनी शांति के द्वारा, अपनी पवित्रता के द्वारा विश्व में शांति स्थापित करो। हम रियलाइज करें, हमें बहुत बड़ा कार्य करना है, संसार में शांति स्थापित करनी है, अनेक आत्माओं को शांति का दान देना है, अशांति से तड़पती हुई आत्माओं की अशांति को दूर करना है। हम शुरुआत करें अपने ही घर से, हमारे घर में संपूर्ण शांति की स्थापना हो जाए। यदि आप अकेले भी ज्ञान में हैं, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि चार लोग तो अशांति पैदा करते हैं, मैं अकेला चना भाड़ कैसे फोड़ूंगा। नहीं, आप अकेले ही जब विश्व शांति के कार्य में सहयोग दे सकते हैं, तो अपने घर में भला शांति क्यों नहीं स्थापित कर सकते। तो पहला कार्य करना है, हमारा अपना चित्त शांत हो। यदि हम शांत हैं, तो हमारे घर में और दूर दूर तक हमारी शांति के वाइब्रेशन फैलते हैं। लेकिन यदि हमें ही क्रोध आता है, तो लोग हमारी बातों से भी प्रभावित नहीं होंगे। यदि हम व्यर्थ संकल्पों के कारण या किसी मनोविकार के कारण अपने चित्त को अशांत रखते हैं, तो भला हम शांति कैसे स्थापित करेंगे। हमारे शांति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलेंगे ही नहीं। एक सूक्ष्म बात पर आप ध्यान दें, जब हमारा चित्त पूरी तरह शांत होता है, मन में जब संकल्प बहुत कम रह जाते हैं, तब हमसे चारों ओर बहुत पावरफुल वाइब्रेशन फैलते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग करें, आप अपने अपने घरों में और ऑफिस में अपने कर्म क्षेत्र पर शांति स्थापना के लिए। तो बहुत अच्छा अभ्यास करें, जो अभ्यास आज करना है सबको। मैं शांत स्वरूप हूँ, बहुत गुड फीलिंग दें, मेरा स्वभाव ही शांति है, मेरा धाम शांति धाम है, मेरा परमपिता शांति का सागर है। शांति के सागर की संतान होने के कारण मैं भी शांति की शक्ति से भरपूर हूँ। ऐसे संकल्प करके कुछ समय अपने चित्त को शांत कर बैठ जाएं, या फिर करें बाबा की शांति की किरणें मुझ पर आ रही हैं। ये भी फीलिंग ना हो तो बस मैं आत्मा शांत हूँ, मैं शांत हूँ, ऐसा 10-12 बार याद कर लें, डीपली चित्त शांत हो जाएगा और आपसे बहुत पावरफुल शांति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलने लगेंगे। इससे आपके घर में शांति का माहौल बनने लगेगा। अगर आप रोज 5 बार ये अभ्यास अपने घर में कर लेते हैं, तो किसी व्यक्ति को अशांति फैलाने का होगा ही नहीं। उसके संस्कार जो अशांति फैलाते हैं, शांत होने लगेंगे। तो हम सभी आज सारा दिन कम से कम 5 बार ये अभ्यास करेंगे, बहुत गहराई से 3-3 मिनट के लिए, और सारा दिन भी ये याद रखेंगे, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मुझे सबको शांति देनी है, मेरा जन्म ही संसार में शांति स्थापना के लिए हुआ है, स्वयं भगवान ने मुझ में शांति की शक्ति भरी है। और ध्यान देंगे, हमारा कोई भी संस्कार, हमारा बोल व्यवहार क्रोध अशांति क्रिएट न करे।
ऐसा अभ्यास सारा दिन करेंगे और शांति की सुखद फीलिंग करेंगे। ओम शांति।